आपके अंदर ताकत है ना, आप वो अपने चैनल पर चला दियो, फिर तो मैं मान जू कि हाँ भाई हाँ आप कर सकते हो। आपको बाकायदा जितने भी मेरे पास रिपोर्टर बैठे हैं मैं उनको एक वीडियो दूंगी, आप फिर ये पता कर लियो वो साध्वी है कि वो क्या है। और ठीक जी, साध्वी देवा ठाकुर ने एक बार फिर आप पर आरोप लगाए हैं, और इस बार आरोप है कि आप अबॉर्शन तक करवाने का काम करती हैं। पता है जी, यदि ऐसा कुछ है तो मैडम को पता होगा, वो या कराने आई होगी या किसी के थ्रू मान लो उसके कोई संपर्क होंगे। मेरा तो सीधी सी बात यह है कि मेरा समाज के अंदर वो रुतबा है जिसको मैं स्त्रियों की चीज़ों से सुनना और देखना भी पसंद नहीं करती, क्योंकि एक जीव हत्या कोई छोटी चीज़ नहीं है। आरोप लगाना किसी पे भी कुछ लगा दो, कोई मतलब है या तो जल्दी फिर दी नहीं है अपने हो गया मुँह आ गया मैदान है जी करे वो बक दो। आरोप कोई भी किसी पर लगाओ, पर इस आरोप का ना तो कोई आधार है, और यदि उसके पास कोई आधार है तो मैं कहना चाहूँगी कि वो जल्दी से जल्दी कोर्ट में जावे और मेरे खिलाफ जो सबूत है वो देवे। तो लगातार कहती है कि सिक्किम शोगन को फेमस होने का एक बुखार है जिसके चलते वो आए दिन ऐसे आदमी के साथ बहसबाजी करती है जो पहले थी। आप लोगों को भी पता होगा मैं लगातार 2.5 साल से किसान आंदोलन को लड़ रही हूँ, क्या मेरे को फेमस होने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल से मैंने इतने अच्छे कर्म कर दिए कि मेरा समाज, मेरा परिवार, मेरा जो भी सिस्टम है मेरे साथ खड़ा है। मैंने अच्छे कर्म करके ना फेमस मैं हो चुकी हूँ, फेमस होने की मुझे ज़रूरत नहीं है। पर कुछ हैं एक्स वाई जेड लोग जिनको कोई नहीं जानता, जिनके दिमाग में गंदगी है, जिनके सिस्टम में गंदगी है, तो उन लोगों को फेमस होने के लिए हमारे जैसे किसान जो आगू हैं उन लोगों को ख़त्म करने के लिए, एक RSS के तय आंदोलन को तोड़ने के लिए, धरने को तोड़ने के लिए हम जैसे लोगों को टारगेट किया जाता है। जो सामने आज कोई सिक्किम पहली बार टारगेट नहीं हुई है उस एक्स वाई जेड का, बहुत सी महिलाएं हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा सोशल साइट पर बहुत सी महिलाएं भी सामने भी आई हैं, बहुत से जो आदमी है वो भी सामने आए हैं, और बहुत से लोग हैं जो अभी दबे पड़े हैं। मैं उन लोगों से भी आह्वान करूंगी, भाई किसी भी वजह से यदि आपके ऊपर अत्याचार हुआ है तो कृपया करके आप बोलिए ताकि एक सच की आवाज़ समाज सुन पाए। साध्वी का कहना है कि एक धमकी भी उन्हें मिली है और उसके लिए जिम्मेवार भी शायद वो आपको है। नहीं कोई बात नहीं, चलो एक बात बताओ, हम जैसे मध्य वर्ग के लोग यदि धमकी देने लग गए तो फिर पटलिया पूरा, फिर तो पटलिया पूरा, जब उसके पास जो खुद बंदूक के साए में रवा है उनते कौन धमकी देश का है? वह तो जरूर दुआन लग रही है जो भी इंसान मेरे पक्ष में आने लग रहा है जी, जैसे किसी ने बाइट दे दी या किसी ने मतलब उसके बारे में सोशल साइट पर लिख दिया, तो उन लोगों को परमानेंट वो जो आपके साथ उसके साथ रहते हैं उन लोगों के बहुत से लोगों के उनके पास फोन गए भी आपने लिखने की क्या जरूरत थी, आपने बोलने की क्या जरूरत थी। पर हम तो इस चीज़ को बिल्कुल समझ लो ख़त्म कर चुके हैं, हमने तो 3 दिन पहले लगी थी मैं तो ख़त्म करने, भाई हम इसके बाद बाइट नहीं देंगे, हम इसके बाद बाइट नहीं देंगे, पर उसका नहीं, वो कह रहा है आरोप प्रत्यारोप का उसका मतलब जो सिस्टम है चालू है। क्योंकि देखो हमने लड़ना है आंदोलन, हमने नस्ल और फसल की लड़ाई लड़नी है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम फालतू की बातों में मतलब अपना टाइम वेस्ट करें। 20 तारीख को कल 28 तारीख को हमारा यहाँ बहुत बड़ा एक धरना है, और 20 तारीख को हमने दिल्ली कूच करना है, तो आप लोग खुद समझदार हो, हमने धरातल पर काम करने की ज़रूरत है, हमें मतलब एक मिसगाइड रास्ते पर नहीं चलना। जो होना था एक ये हादसा और ये बीत चुका है, और ये जो बाकी की जो सिस्टम है वो अदालत में अभी मतलब प्रोसेस में है, जैसे ही जो होगा वो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। तो आपको भी कोई धमकी इस दौरान मिली? अरे मेरे तो बेरा नहीं के ड्रामे करे हैं, धमकी दिवाने रिश्तेदारों पर दबाव देना बेरा नहीं के होया है। जिस चीज़ों को मैं मीडिया के सामने नहीं कह सकती, एक तो आदमी करे करा शारीरिक अत्याचार, अरे एक होता है मानसिक अत्याचार, इसने मेरे परिवार को नहीं छोड़ा, बेटे को नहीं छोड़ा, पति को नहीं छोड़ा, भाई को नहीं छोड़ा, मेरा मायका छोड़ा नहीं, मेरी ससुराल छोड़ी नहीं, मेरी इज्जत छोड़ी नहीं। एक जो पारिवारिक इंसान होता है उसके ऊपर सारी तरह के सिस्टम होते हैं, उनका एक आदर मान सम्मान होता है, मतलब हर तरह से चीर हरण करने की कोशिश की, पर मैं फिर भी मर्यादा के अंदर रहकर उनकी बातों का जवाब दिया, पर वो लगातार हावी रही। पर मैं आज भी एक ही बात कहती हूँ, भाई मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है, मेरे पास मेरा परिवार, उसके लिए हमें टाइम देना है, समाज के लिए मेरा सोशल टाइम है। मैं आज भी कहती हूँ भी किसी की निजी ज़िंदगी की तरफ उंगली करने का, मैं भी उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानती थी एक्स वाई जेड के बारे में, पर मैंने ना उसके करेक्टर की तरफ उंगली की, ना मैंने उसके परिवार की तरफ उंगली की, क्योंकि किसी ने कहा है जिसकी दुकान में जो सामान होगा वो वही बेचेगा। तो उन लोगों की आप मानसिकता देख लो कि वो कहाँ तक गिर सकती है और उसकी मानसिकता क्या है। तो आपने एक सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल किया था जी 2 दिन पहले, वो उससे छोटे भाई का था, तो उस पर भी आपत्ति आई कि उन्होंने ये फोटो वायरल की। अरे भाई फिर एक बात बताओ, भाई है तो क्या दिक्कत होगी, बहन का और भाई का तो फोटो हो सकता है साथ में, क्या दिक्कत है वायरल कर दी तो उसकी क्या दिक्कत है? मैं अपना जारो क्या कह रहे हैं वीडियो आपको मैं ऑफ कैमरा एक ऐसी वीडियो दूंगी, यदि आपके अंदर ताकत है ना आप वो अपने चैनल पर चला दियो, फिर तो मैं मान जू कि हाँ भाई हाँ आप कर सकते हो। आपको बाकायदा
जितने भी मेरे पास रिपोर्टर बैठे हैं मैं उनको एक वीडियो दूंगी, आप फिर ये पता कर लियो वो साध्वी है कि वो क्या है। और फोटो एक नहीं लाखों फोटो हैं जिसमें किसी में कुछ है किसी में कुछ है। मुझे उसके पर्सनल लाइफ में जाने का कोई शौक नहीं है, भी मेरी फेसबुक पे के है, मेरा पेज पे के है, जो कुछ वो है। मैं तो आप लोगों से आज भी निवेदन करती हूँ, कोर्ट बाद में फैसला करेगा, आप मेरे भी गांव में मेरे भी परिवार में मेरे भी समाज में जाकर आप इंक्वायरी करो। किम जी एक ये बात है, आखिर ये जो मामला हुआ था इसकी शुरुआत कैसे हुई, आप थोड़ा ये बताना चाहेंगे? साधवी जी ने मना कर दिया कि मेरे को तो पता ही नहीं भाई वो मेरे खिलाफ क्यों बोल रही है। नहीं पता है क्या इसका क्या था, आप लोग भी शायद वहाँ थे, धमतान मेरा माइक का है, यानी मैं बिनान खाप की बेटी हूँ, मेरा गांव लोन है और मैं ज़्यादा टाइम लोन की बजाय धमतान में रही हूँ। तो वहाँ सिस्टम था, कोई बिजली प्रकरण था, मैं वहाँ गई हुई थी। तो आप जैसे किसी मीडियाकर्मी ने मेरे से पूछा भाई मैडम जी वो सिंगम के बारे में उस इंसान ने एक्स वाई जेड ने गलत बयान दिया, आपका एक महिला होने के नाते आपकी क्या राय। मैंने सिर्फ उनको ये कहा था, जैसे हम कह देते हैं हमारे रणवी भाषा में खड़ी भाषा होती है हमारी, कि भाई सिर्फ मतलब वेशभूषा से या कान पड़वाने से या बुंदले डालने से या कपड़े भगवान डालने से कोई साध्वी या साधु नहीं होता। कृपया करके किसी की बहन बेटी की इज्जत मत उतारिए। और आप मतलब आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है कि आप सर्टिफिकेट बांटोगे हर एक महिला को, क्योंकि एक महिला यदि अत्याचार हो तो दूसरी बात, एक दो तीन चार मतलब लाइन लगा रखिए। पीछे यदि आप बैकग्राउंड में जाओगे तो आपको बहुत सी महिलाओं के बयान भी मिलेंगे, बहुत सी महिलाओं के पीछे टॉर्चर भी हुई है। तो ये मामला था, इससे अलावा कोई हमारा ना मैं उनसे कभी मिली, ना मेरी उनकी जान पहचान, ना मेरा कोई मतलब। एक मतलब सीधा बयान था भाई, किसी को कहा गया और मेरे से जवाब मांगे, मैंने जवाब दे दिया। जो सिंगम है मुझे नहीं लगता अभी किसी को वैसे ही हमारा समाज नाम दे देगा। सिंगम बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा काम कर रहा था। और जो मैं जहाँ तक सिंगम को जानती हूँ, मैं पर्सनली नहीं जानती, सोशल साइट पे जानती हूँ, जहाँ तक मैंने काम देखा बहुत बढ़िया है। बाकी जो मामला वो तो सिंगम जवाब दे सके भी, वो ड्यूटी कर रहा है कि ना कर रहा है भाई, ना तो मैं कोई हूँ दी सही पूछे तो, या तो वो महकमा देखेगा या वो समाज देखेगा, मैं कौन होती हूँ उसको मतलब उसके काम को जज करने वाली। हमने मतलब ये कोई ठेका थोड़े ले रखा भाई, हर एक चीज़ का अंदर हम घुसाएंगे, हमारे पास सिर्फ हमने जो हमारा मकसद है हमने वही मकसद पूरा करना चाहिए। ये मैं किसान के लिए काम कर रही हूँ तो मैंने फसल की जानकारी होनी चाहिए, मैंने नस्ल की जानकारी होनी चाहिए, मैंने ये पता होना चाहिए सरकार के कानून ले रही है, किस कानून में किसानों का नुकसान हो रहा है, के नफा हो रहा है, के टोटा हो रहा है, सिर्फ इस तक सीमित रहना चाहिए, ना कि मैं कहीं भी जाकर मतलब बवंडर में पंगा लूँ। साध्वी जी ने आपके बारे में कहा कि मेरे लेवल की लेडी नहीं है वो, आधी उम्र तो उसकी हो चुकी है, आधी और हो जाएगी उसकी। अरे सभी की होगी ना, मैं तो बूढ़ी और तो मेरी तो पिल्सन बंधन वाली है, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें इस चीज़ से कोई नहीं। विजय कोई पोतड़िया में हो तो उसका मैं क्या कर सकूँ, जो कोई खुद पोतड़िया ने मानना है नहीं उसका तो कोई इलाज नहीं। हमारे रानवी में कह रहा भाई तो पोतड़िया में रह रहे हैं भाई, हम तो बूढ़े हो रहे हैं, हमारे तो बालक बहन जोगे हो रहे हैं, ना हम नया चीज़ लोग कोई भी, एक तो बंदा लोग कौन दाओ, सोशल साइट में मेरे पूरे परिवार का सिस्टम है, सारा सिस्टम है, ये हम सामाजिक लोग, हमारा तो सारा ही काम है। बूढ़े भी होंगे भैया, हमने तो एक बात बताओ, कमाया का भी खाना है, हमारी जिम्मेवारियां भी है, आदमी वक्त पहले बूढ़ा हो जाए तो कोई लंबी चौड़ी बात को नहीं, और ना कोई मेरा नई बात है अभी की मैं नई बात होगी ये तो। आपने साधु जी की एक बात बोली थी कि वो RSS की दलाल है और BJP की, तो उन्होंने इसके पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं BJP से जुड़ी हुई हूँ, RSS से जुड़ी हुई हूँ और बहुत अच्छी पार्टी है और मैं इसके साथ ही जुड़ी रहूँगी। रहना चाहिए जी, जिसका जो टेस्ट होता है वो वहीं रहता है। मेरा टेस्ट किसानों के साथ है, अहिंसा के खिलाफ, अहिंसा के साथ है, जो मतलब अत्याचार करेगा उसके खिलाफ है, जो महिलाओं को शोषण करेगा उसके खिलाफ है, जो रोजगार पे काम नहीं करेगा उसके खिलाफ है, जो शिक्षा पे बात नहीं करेगा उसके खिलाफ है, पाखंडवत के खिलाफ है, वो अपना अपना टेस्ट है, किसका कहाँ टेस्ट है वो उसका काम है। ये मतलब कोई ना तो मैं ये कहूँगी भाई आप RSS छोड़ दो या आप BJP छोड़ दो, नहीं, वो खुद का टेस्ट है, उसको कहाँ रहना है। ये एक आज़ादी है हमारे स्वतंत्र भारत में, जिसका मन जहाँ करे, जिसके विचार जहाँ मिले, जहाँ मैच करे वो रहे, हमें क्या मतलब।